Hello everyone, welcome to Competition Community. My name is Deepika Patel and I am here again with you all with a new lecture of the Basic English Booster Dose series. As you all know, we have started the series to learn the basic grammar concepts thoroughly. So, till now we have completed several topics and today we are going to deal with a new part of speech, that is adjective. Today's topic is adjective. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एडजेक्टिव को पढ़ने की. सबसे पहले बात की जाएगी डेफिनेशन की. सो व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव. हिंदी में इसे हम कहते हैं विशेषण. हिंदी ग्रामर में भी यही एक आता है जिसे हम कहते हैं विशेषण, जो क्या काम करता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है. ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सेज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस और डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और दैट ऑफ अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. इसे कोई हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो सारे एडजेक्टिव्स जो किसी न किसी नाउन की क्वालिटी को बताते हैं. ठीक है, अगर कोई नाउन है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इटसेल्फ. ठीक है, ये पेन है, इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या हो सकता है, ये पेन लंबा है, ये पेन चौड़ा है, ये पेन काला है. ठीक है, तो कैसा है नाउन के रेस्पेक्ट में, कैसा है क्वेश्चन का जो आंसर करता है, वो एक तो विशेषण होता है. और उसमें से भी किस बारे में बात कर रहे हैं हम, उसकी किसी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वेदर इट इज लॉन्ग और शॉर्ट, वेदर इट इज राउंड, वेदर इट इज ऑफ एनी अदर शेप, वेदर इट इज ऑफ एनी कलर. ठीक है, इट इज ब्लैक और वाइट, ऑल ऑफ दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. लेट मी राइट सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, क्वालिटी के एडजेक्टिव्स में क्या हो जाता है, इट कैन बी लॉन्ग, ये एग्जाम्पल्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, शॉर्ट, थिक, थिन, एटसेट्रा, दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी परिमाण. ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण जिसको हम कहते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के क्वांटिटी को बता रहा है, ना नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है. ठीक है, क्या नाउन की क्वांटिटी मतलब नाउन कितना है. ठीक है, कितना मिलने से ज़्यादा है, कम है, वेदर इट इज लेस और फ्यू और इनफ और मोर, एवरीथिंग इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है, less, more, much, ठीक है, everything, ये सारे quantity को बता रहे हैं, exact नहीं बता रहे हैं, बस more और less के बारे में बात कर रहे हैं, exact quantity पे हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तीसरे में आते हैं adjectives of number. जब हम adjective of number की बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पे exact number की बात कर रहे हैं कि वो कितना है. यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे कि नाउन कितना है, लेकिन हमने यहाँ पर केवल और केवल एक परिमाण के रूप में बताया था कि वो कम है या ज्यादा है, थोड़ा है या बहुत है. यहाँ पर जब हम बात करेंगे तब हम एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे कि वो कितना है, एक है, एक से ज्यादा है, दो है, चार है, दस है, कितना है, वो हम एडजेक्टिव के नंबर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे. ठीक है, यही एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर हमारे पास में दो तरीके के होते हैं. ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से आ जाते हैं. एक हो जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव्स, यानी कि कार्डिनल नंबर्स जो होंगे वो कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाएंगे. कार्डिनल नंबर्स मतलब क्या, जो जैसे कार्ड्स होते हैं ना, तो कार्ड्स के जैसे में 1, 2, 3 ये सारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, और दूसरे जो नंबर में आते हैं वो होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. ऑर्डिनल्स का मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनल्स मतलब ऑर्डर को जो दिखा रहे हैं. ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑर्डर है, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, तो जब हम सीक्वेंस की बात करेंगे तब हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे. तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में क्या आ गया अपना, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, लास्ट, इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स आएंगे वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाएंगे और दोनों ही किसका पार्ट है, दोनों ही एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के पार्ट हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स अब ये क्या है? ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर नाउन के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन्स। तो जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनसे जो एडजेक्टिव्स फॉर्म होंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव्स फॉर्म होंगे उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, हिमालयास। ठीक है, हिमालयास, हिमालय पर्वत प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हिमालयाज जो होते हैं, द हिमालयाज, हमारे माउंटेन रेंज, ये एक प्रॉपर नाउन। इसका एडजेक्टिव कैसे बनेगा? ठीक है, तो देखो हिमालय पर्वत तो पर्वत है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका नाम। ठीक है, लेकिन हिमालय पर्वत से उद्गम होने वाली नदियाँ क्या कहलाती हैं? हिमालयन रिवर्स। वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत के किसी एक शिखर पर हो तो उनको हम कह देते हैं हिमालयन रिवर्स। तो देखो हिमालयाज एक प्रॉपर नाउन और उस प्रॉपर नाउन से बना है एडजेक्टिव, तो इसको हम लोग कह देंगे हिमालयन रिवर। ठीक है, हिमालयन रिवर, तो हिमालय से बना हिमालयन, इट्स एन प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, और एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी हैं। ठीक है, गांधी जी एक प्रॉपर नाउन, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो गांधी जी इज अ प्रॉपर नाउन। लेकिन गांधी जी के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स अगर हम कहेंगे तो द प्रिंसिपल्स दैट वर गिवन बाय गांधी जी इज नोन एज गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो गांधीयन क्या हो गया? द वर्ड गांधीयन इज एन एडजेक्टिव कि प्रिंसिपल्स कैसे हैं, गांधीयन है, तो ये एक प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव तो वो कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या हैं? वो सारे एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बने हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा हम लोगों ने जहाँ पे प्रोनाउन के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा की थी। पोजेसिव या वर्ड जो पोजेशन से बना है, ठीक है, नाउन में भी हम लोगों ने पोजेसिव केस के बारे में पढ़ा था। जब भी हमें किसी एक चीज़ का संबंध किसी दूसरे चीज़ से बताना होता है तब हम पोजेसिव केस ऑफ नाउन का यूज़ करते थे, और जब उसकी जगह हमें रिप्लेस करना हुआ किसी प्रोनाउन से तब हमने पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किए। अब अगर हमें किसी चीज़ की क्वालिटी बतानी है उसका संबंध जता के, क्या कह रहे हैं हम, हमें किसी चीज़ की क्वालिटी बतानी है उसका संबंध जता करके, हमें उसकी विशेषता बतानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, अ पेन इज अ नाउन। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये पेन मेरा है। ठीक है, कितना सौभाग्यशाली पेन है कि ये मेरा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से इसकी विशेषता हमने बताई, और विशेषता कैसे बताई, संबंध जता करके, किससे, मुझसे, तो हमने कह दिया ये पेन मेरा है। तो इस तरीके से अधिकार बता करके यदि हम किसी चीज की विशेषता को बताते हैं, इफ वी क्वालिफाई अ नाउन बाय स्टेटिंग इट्स पोजेशन देन पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हाट कुड बी द एग्जाम्पल्स, ओके, क्या हो जाएगा, माय, दिस इज माय पेन, योर, दिस इज योर शर्ट, हिज, दिस इज हिज कार, हर। ठीक है, तो इस तरीके के सारे एडजेक्टिव्स पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोनाउंस, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी वही होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जब किसी नाउन के इफेक्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तब हम जो एडजेक्टिव लगाएंगे तो वो आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वुड बी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा, राइट, ओके।
Now next. Next is demonstrative adjective. As I have already told you, demonstrative word is formed from the word demonstration. Demonstrate से बना है demonstration, से बना है demonstrative. ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करने का अगर लिटरल मीनिंग की बात करें अपन, तो जब भी किसी चीज को पॉइंट आउट करके उसकी विशेषता बतानी होगी तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे. ठीक है, द एग्जांपल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीस एंड दोस. जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सिंगुलर पास में रखी हुई सिंगुलर चीज की विशेषता बतानी हो, दूर में रखी हुई किसी सिंगुलर चीज की विशेषता बतानी है तो वील यूज दैट. पास में रखी किसी प्लूरल चीजों को हमें क्वालिफाई करना होगा तो हम यूज करेंगे दीज की. और अगर कोई चीजें दूर में रखी हुई हो और उनकी क्वालिटी को हमें बताना हो तो वील यूज दोज विद इट. राइट, ओके. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, अगेन इंट्रोगेटिव वर्ड बना है ऐसे वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. तो क्वेश्चन पूछकर भी हम नाउन की विशेषता बता सकते हैं. सो दोज एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू आस्क एंड डिनोट एनी क्वालिटी ऑफ अ नाउन, तो उसको उसकी जगह पे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पूछा हूज पेन इज दिस, तो हूज वर्ड जो हमने यूज किया इट्स एन इंट्रोगेटिव वर्ड एंड वी आर यूजिंग इट एज एन एडजेक्टिव, सो दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, विच बुक डू यू वॉन्ट, विच, हियर विच ऑल्सो यूज टू पिक अप फ्रॉम टू ऑप्शन, तो दो ऑप्शन है उसमें से एक को चूज करना होता है तो हम बोलते हैं विच वन. तो विच बुक, विच शर्ट, विच शर्ट डू यू वॉन्ट, तो विच शर्ट, शर्ट इज अ नाउन विच क्वालिफाइज दैट वर्ड शर्ट. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो ये जो था ये सारे टाइप्स थे, कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की. ठीक है, आई होप ये सारा चीज आपको समझ में आ गया है, कितने कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, कब उनको यूज किया जाता है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर ली है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ठीक है, आगे बात करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की. ठीक है, तो देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात आई क्यों? आई इसलिए कि जब भी हमें दो चीजों के बीच कंपेयर करना है, ठीक है, दो चीजों के बीच जब भी हमें कंपेयर करना होगा तो हमेशा हमें क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, हम किसी न किसी विशेषता पे बात करेंगे, हम किसी न किसी क्वालिटी पे बात करेंगे. अब ऐसा थोड़ी है कि किसी का नाम हम किसी दूसरे के नाम से कंपेयर करें कि इसका नाम अच्छा है उसका नाम बुरा है. ठीक है, मेरा नाम दीपिका, मेरा नाम बहुत अच्छा है, आपका नाम अगर कोई एक्स वाई जेड, आपका नाम बुरा है, तो नॉट पॉसिबल. हम नाम को लेके कंपेयर नहीं करते. अगर हमें किसी भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करनी है तो हम उनकी किसी न किसी विशेषता पे कंपेयर करते हैं. ठीक है, जैसे ये पेन है, इसके अलावा कोई और पेन होगा तो हम बोलेंगे ये पेन, इसकी अगर हमने इसकी लंबाई को देखा तो एक क्वालिटी को देखा हमने कि इसकी लंबाई उसकी लंबाई से ज्यादा है, इसकी लंबाई से कम है. ठीक है, इसकी चौड़ाई दूसरे पेन के चौड़ाई से कम है या ज्यादा है. तो जब भी हम कभी भी दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम नाउन या प्रोनाउन के रेस्पेक्ट में कंपेयर नहीं करते हैं, कंपैरिजन हमेशा उनकी क्वालिटीज को लेकर के करते हैं, तो एडजेक्टिव्स को लेकर के करते हैं. राइट, सो एडजेक्टिव में ही हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं. सो देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट वन सिंगल नाउन, या हम किसी एक सिंगल चीज की विशेषता को बता रहे होते हैं. जैसे अगर हमने इस पेन के बारे में ही बात किया तो हम ये बताएंगे कि ये लंबा है या छोटा है या चौड़ा है या काला है या नीला है. तो जो भी हम बता रहे हैं हम क्या बता रहे हैं, किसी एक सिंगल. तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी वन सिंगल एंटिटी. राइट, नाउ व्हेन वी कंपेयर अ सिंगल आइडेंटिटी विथ एनी अदर आइडेंटिटी. ठीक है, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से कंपेयर करेंगे तो एक की कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करते हैं. जैसे एंग्री, एंग्रियर, देन सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ क्या होता है, यहाँ हम किसी एक की कंपैरिजन
बाकी सारे शब्द सिमिलर एंटिटीज के साथ में करते हैं, एक एक कंपैरिजन सब से, कंपैरिजन ऑफ वन विथ ऑल। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिग्री में कंपेयरिंग वी आर ओनली वन एंटिटी, हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम किसी एक एंटिटी की किसी भी क्वालिटी को बता रहे हैं। यहाँ हम क्या रख कर रहे हैं, यहाँ हम किसी एक एंटिटी की क्वालिटी को किसी दूसरी एंटिटी की क्वालिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ हम किसी एक एंटिटी की क्वालिटी को उसके जैसे बाकी सारे एंटिटी की क्वालिटीज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद में हम बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, कैसे बनाए जाते हैं कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, तो कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए हम इनके एंड में या तो ER और EST जोड़ लेते हैं, ER और EST जोड़ लेते हैं, या तो फिर हम इनके पहले मोर और मोस्ट जोड़ लेते हैं। ठीक है, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रियस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्या बोलना चाहिए एडजेक्टिव्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैं हट जाती हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ रूल्स को भी हमें देखना है कि कैसे इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो रूल्स फॉर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, उसके लिए क्या क्या रूल्स हमको यूज करने हैं। द फर्स्ट रूल सेज व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स और इंडिविजुअल्स अ कंपैरेटिव डिग्री इज एम्प्लॉयड बाय एडिंग ER और मोर टू द एडजेक्टिव टर्म इन कंजंक्शन विद द टर्म दैन। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ आया, इन कंजंक्शन विद द टर्म दैन, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे तो सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज करेंगे ना वो दैन होगा, दैन कंजंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वाइजर दैन हर सिबलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एंटिटीज हैं, एक है शी और है उस हर सिबलिंग, इनके बीच में कंपेरिजन हो रही है, तो हम ये बोल रहे हैं शी इज wiser than, comparative degree का use कर रहे हैं। ठीक है, तो wiser के साथ हमेशा than लगेगा। सारा is more beautiful than her sibling। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी than conjunction का use हुआ है। ठीक है, तो जब भी कभी हम comparative degree के adjectives लगाते हैं तो हम उनके साथ than का प्रयोग करते हैं, but there are certain exceptions to this rule also। ठीक है, क्या है वो exceptions? ठीक है, अ फ्यू एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय टू, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ में हम दैन का नहीं टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, बेसिकली जितने भी ओ आर एंडिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रेफर, एल्डर, ये सारे जो हैं ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ में हमें दैन का नहीं टू का प्रयोग करना होता है। जैसे आई एम सीनियर टू हर, आई एम सीनियर दैन हर नहीं बोलेंगे, एंड दिस कार मैन्युफैक्चरर इज सुपीरियर टू दैट, तो सुपीरियर के साथ भी टू है। ठीक है, पीएससी हो या व्यापम, इनका एक मोस्ट क्या बोलना चाहिए फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये प्रेफर, शी प्रेफर्स कॉफी टू टी, ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो हमेशा प्रेफर के साथ में टू लगता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूल सेज व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स द सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग ईएसटी और मोस्ट टू द एडजेक्टिव टर्म। द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव्स। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब भी हम किसी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, दैट वॉज द बेस्ट मूवी एवर मेड, माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। ठीक है, द बेस्ट मूवी, ठीक है, वो जो मूवी थी वो सबसे अच्छी मूवी थी, द बेस्ट मूवी, माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए द का रेलेवेंस, द जो है एक आर्टिकल है, एक ऐसा आर्टिकल है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और जो यूज किया जाता है कोई चीज जब यूनिक हो, स्पेशल हो, वन ऑफ इट्स ओन काइंड हो, उस जगह पे हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं नाउन के साथ में। ठीक है, तो यहां पर भी
जैसे ही हमने सुपरलेटिव की बात करी, सो सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या बताया, सुपरलेटिव डिग्री जब हम एक ही कंपैरिजन उसके जैसे बाकी सारे मतलब एंटिटीज के साथ करते हैं और हम डिड्यूस करते हैं कि ये या तो सबसे ज्यादा है या सबसे कम है, जिस भी क्वांटिटी क्वालिटी की बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में, तब हम सुपरलेटिव यूज करते हैं। तो कोई चीज सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स उससे ज्यादा दूसरा और कोई नहीं है, तो वो अपने आप में ही यूनिक बन गया, अपने आप में ही वन ऑफ इट्स ओन काइंड बन गया, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से ट्रिक के रूप में आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जहां कहीं पर भी आपको द लिखा दिखा, मतलब तुरंत समझ जाएंगे वहां पे आपको सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना होगा, और जहां कहीं सेंटेंस में दैन लिखा मिल गया तो आप ये समझ जाएंगे कि वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाना है। आई बात समझ? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। रूल 3 सेज पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड विद द फ्रेज एज डैश एज टू कंपेयर डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। एज डैश एज का यूज करके भी हम दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो यूज करते हैं तो हम इसको या तो किसी की सिमिलैरिटी बतानी होती है या डिससिमिलैरिटी बतानी होती है, तब हम ऐसे फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये जो एज डैश एज फ्रेज यूज किया है हमने, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, एज लॉन्ग एज शॉर्ट एज ब्लू एज डार्क एज एवरीथिंग एनीथिंग, तो जो भी आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है। तो एडजेक्टिव जो आएगा वो कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव डिग्री का। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज एज बिग एज अ स्मॉल एलिफेंट। हम यहाँ पे दो के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, एक है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल, दूसरा एंटिटी है स्मॉल एलिफेंट। एक एलिफेंट है और एक बुल है, दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो दो के बीच में कंपैरिजन, अगर हम किसी एक के बारे में बताते, या तो बुल के बारे में बताते या तो एलिफेंट के बारे में बताते, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते, ठीक है। इट इज अ बिग एनिमल, इट इज अ स्मॉल एनिमल, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम ये कहते कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट बुल है वो स्मॉल एलिफेंट से भी बड़ा है, इससे बड़ा है, तो हम कह देते ही द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज बिगर देन अ स्मॉल एलिफेंट, उससे ज्यादा बता रहे होते तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते। और अगर हम ये बताते कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट बुल है वो दुनिया में सारे एलिफेंट से बड़ा है, तब हम वहां पे कर देते कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज बिगेस्ट देन ऑल अदर बुल्स, तो इस तरीके से हम कहते। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा एक सबसे बड़ा बुल होता है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल होता है, उसका साइज सिमिलर होता है, उतना ही होता है जितना कि एक छोटा एलिफेंट। तो देखो यहाँ पे हम कंपेयर कर तो रहे हैं लेकिन किसी को ज्यादा नहीं बता रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि कैसे हम कंपेरिजन करके भी कंपेरेटिव डिग्री क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम कंपेयर करने के बाद किसी को ना ज्यादा बता रहे हैं ना कम बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं दोनों के बीच में बराबरी की बात कर रहे हैं अपन, राइट। तो यहाँ पर एज डैश एज का प्रयोग किया जाता है जब हमें कभी इसको सिमिलर बताना हो। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव हमने पॉजिटिव का यूज किया। अच्छा, अगर हम नेगेटिव सेंस में बात करें तब क्या होगा, जैसे हमें ये बताना है कि ये पेन, जैसे मेरे को बताना होगा कि ये पेन दूसरे पेन से अच्छा है, तो मैं बोलूंगी दिस पेन इज बेटर देन द अदर पेन। लेकिन मुझे बताना है कि ये पेन उतना ही अच्छा है जितना कि दूसरा पेन, तब मैं बोलूंगी दिस पेन इज एज गुड एज द अदर वन। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताना है कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना वो है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज नॉट सो गुड एज दैट वन। तो नॉट सो के साथ में एज का प्रयोग किए, ठीक है, नॉट सो गुड। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी बुराई नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि ये बुरा है, ठीक है। अगर हम बुरा बोलते तो हम बोल देते कि दिस पेन इज वर्स देन दैट वन, लेकिन हम अगेन यहाँ पे बुरा भी नहीं बोल रहे, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो है, हम डिससिमिलैरिटी बता रहे हैं, हम ज्यादा और कम की बात नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ज्यादा और कम की बात जब आप करोगे तब आप कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करोगे, अदरवाइज आप एज डैश एज या सो डैश एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, और अगर सबकी बात होगी तब हम कंपेरेटिव डिग्री का बात करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स. जब भी हमें क्या करना होता है, किसी को किसी से कंपेयर करना होता है, हिंदी में भी हम लोग यूज करते हैं ना उपमा अलंकार करके, हम किसी को कंपेयर करते हैं, तो ही इज वेरी कनिंग जस्ट लाइक अ फॉक्स. ठीक है, ओके, नेक्स्ट, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ एडजेक्टिव्स को किस किस कंडीशन में, किन एडजेक्टिव्स को किस प्रकार से यूज किया जाता है. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन एडजेक्टिव्स में होता है, तो इसीलिए हम इनके ऊपर ध्यान देते हैं. ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज यूज ऑफ सम एंड एनी. देर आर टू एडजेक्टिव्स, सम एंड एनी, किसको कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, देखो, सम इज यूज विथ पॉजिटिव सेंटेंसेस व्हाइल एनी इज यूज विथ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, द एग्जाम्पल्स आर आई हैव सम फ्रेंड्स इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, कि मेरे पास कुछ है. ठीक है, इसको अगर हम देखें तो कुछ और कोई वाली बात आ जाती है. ठीक है, वी बॉट सम कॉफी. सम मतलब पॉजिटिव सेंस में कुछ कॉफी या थोड़ी सी कॉफी लेकर के आए हैं. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. ठीक है, देखो एक नेगेटिव है, डू नॉट है, तो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. ठीक है, देयर इजंट एनी ब्रेड लेफ्ट, नेगेटिव सेंटेंस. डू यू हैव एनी मनी, इज देयर एनी शुगर. तो यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, सो वेर एवर वी यूज वेर एवर वी वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चन वी यूज एनी विद इट. Right, moving on to next. Next is use of much and many. Much और many के use में क्या difference है? तो देखिए, much जो use होता है वो use होता है uncountable nouns के साथ में, और many जो use होता है वो use होता है countable nouns के साथ में. ठीक है, जिनको ये नहीं clear हो रहा है countable और uncountable क्या है, मैं बता दूं. Countable nouns मतलब ऐसी noun जिनको हम count कर सके, जिन्हें हम गिन सके, गिन के बता सके एक है एक से ज्यादा है. जिन चीजों की काउंटिंग ना की जा सके, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. ठीक है, तो मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स व्हाइल मेनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ठीक है, हाउ मच मिल्क डज द रेसिपी कॉल फॉर. अब यहाँ पे ठीक है, मिल्क है अनकाउंटेबल, इसे लगाएंगे मच. I don't have much time left to finish the assignment. Time की बात कर रहे हैं, uncountable है, इसलिए much. ठीक है, there is a too much stuff on the shelf. ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलना चाहिए, stuff की बात कर रहे हैं, uncountable है, इसीलिए much का use किया हमने. Then how many roses did you buy? Roses we can count the number of roses, इसलिए हमने use किया many. I don't know how many movies I own. Movies we can count, countable है इसलिए many. There are so many things to do, I don't know if we will get them all done. Things we can count, so many. Countable and uncountable, right? Next, use of either, neither, anyone, none. इनका कहाँ कहाँ use होता है. ठीक है, देखो सबसे पहले Either is used when we choose one from the given two options. Neither is used when we choose none from the given two options. Anyone is used when we choose any one from the given options. None is used when we choose none from the more than two options. यहाँ पे singular plural की बात हो रही है. अगर हमारे पास दो choices हैं, दो में से किसी एक को choose करना है तो हम use करते हैं either. दो में से किसी को भी नहीं choose करना है तो हम use करते हैं neither. बहुत सारों में से एक को चूज करना है तो एनी वन, बहुत सारों में से किसी को भी नहीं चूज करना है तो नन. ठीक है, नन ऑफ दीज एग्जाम में एक ऑप्शन होता ही है, नन ऑफ दीज, तो वहां पे नन यूज होता है क्योंकि वहां पे दो से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं. राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं. देर आर बोट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर. रिवर जो होगा उसके दो साइड होंगे, इसीलिए वहां पे किसी भी एक साइड की बात करें तो आइदर साइड. Neither of my daughters like maths. I have two daughters. दोनों में से कोई भी नहीं. ठीक है, you can pick any one of the pens. There are so many pens. You can pick any one from them. None of the cars in the showroom is obsolete. There are too many cars and none of them. मतलब सब में से कोई नहीं. ठीक, आगे बढ़े. Next, use of. Okay. Use of whole and all. Use of whole and all. Whole का मतलब होता है पूरा और all का मतलब होता है सब. ठीक है, तो पूरा और सब बोलने के मतलब से हम लोग whole और all use करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए,
Both mean entire, but all can refer to more than one, while whole is used before singular noun. ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं. The whole story was a lie. यहाँ पे whole use हुआ है singular noun के साथ story. अब देखो इसमें basically जो confusion बनता है ना, दोनों में ये बनता है क्योंकि दोनों का मतलब सब होता है. ठीक है, तो दोनों का मतलब जब सब होता है तो उस condition में अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या लेकर के आते हैं, देखो यहाँ पे. ठीक है, यहाँ देखिए द होल स्टोरी मतलब एक सिंगल स्टोरी है, उसके पूरे के पूरे भाग की बात हो रही है. ठीक है, देखो होल का मतलब समझना. होल जो हम कह रहे हैं इसको हम कह रहे हैं पूरा. पूरा पूरा मतलब एक है इसका 100%, इसका 100%. ठीक है, और ऑल का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें रखी हुई हैं, इन सब को टोटल मिला करके, इन सब को टोटल मिला करके ऑल की बात कर रहे हैं, जहां हम सब कहते हैं. ठीक है, होल किसी एक सिंगल एंटिटी के पूरे भाग की बात हो रही है. ठीक है, और ऑल मतलब वैसे वैसे और दूसरी एंटिटीज हैं, उन सबको एक साथ लेके बात हो रही है. ठीक है, ऑल हिज फ्रेंड्स ट्राइड हार्ड टू हेल्प हिम मतलब उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिसमें से सब ने उसकी हेल्प करने की ट्राई करी. राइट, ऑल द एनिमल्स हैव देयर यूनिक एनाटॉमीज तो देयर आर सो मेनी एनिमल्स एंड एवरीवन आई मीन ऑल द टोटल हैव देयर यूनिक सब सारे एनिमल्स. ही एट द होल फिश इन अ ब्लिंक दैट मींस एक पूरा फिश था उसके पूरे 100% को, ऐसा नहीं कि आधा खाया हुआ पेट भर गया, पूरा का पूरा फिश अकेले एक ब्लिंक में खा गया. तो होल का मतलब जब हम किसी एक चीज के पूरे भाग की बात कर रहे होते हैं. आई हैव सीन द होल मूवी इन वन सिटिंग एक ही मूवी थी उसके पूरे के पूरे पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेलर टू इंटरवल टू क्लाइमैक्स. ठीक है, तो इसके पूरे पार्ट की बात हो रही है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज यूज ऑफ लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल. ठीक, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है. देखो सबसे पहले तो बात कर लें अगर अपन लिटिल की, तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा. ठीक है, लिटिल का क्या मतलब होता है, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा. तो थोड़ा हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी अनकाउंटेबल चीज की बात कर रहे होते हैं. इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउंस. हम अनकाउंटेबल चीजों की बात कर रहे होते हैं तब हम लगाते हैं. अब उसमें भी दो तीन ऑप्शंस हैं, लिटिल अ लिटिल और द लिटिल. इनमें से किसको कहाँ यूज करना है इसको अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नॉट मच और हार्डली एनी, यानी कि न के बराबर. लिटिल को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को न के बराबर कहें, नेग्लिजिबल है. ठीक है, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ही थोड़ा, नहीं के बराबर. अ लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव, समवट पॉजिटिव. ठीक है, और द लिटिल का मतलब होता है जितना है पूरा का पूरा, जो भी है वो थोड़ा ही है लेकिन जितना भी है पूरा का पूरा यूज हो गया है. इस तरीके से हम लोग द लिटिल का प्रयोग करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ओवर हियर. यहाँ देखो, ठीक है, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी दैट मींस इट मींस ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर. देयर इज वेरी लिटिल होप, न के बराबर है. द रिच मैन हैड लिटिल कंसर्न फॉर द पुअर मतलब नहीं के बराबर कंसर्न है रिचेस को पुअर के बारे में, तो वैसे भी होता रहता है, कहाँ कंसर्न रहता है. ही हैज लिटिल मनी, मनी अनकाउंटेबल इसीलिए हम लोगों ने यूज किया लिटिल. लिटिल मतलब बहुत ही थोड़ा, इतना कि नेग्लेक्ट किया जा सके. देन देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द कप, लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा, तो मिल्क जो कप में जो मिल्क है वो बहुत ही ज्यादा कम है, नेग्लिजिबल है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें अ लिटिल की, तो अ लिटिल मींस सम बट लेस अमाउंट. इट हैज अ पॉजिटिव कनोटेशन मतलब कोई चीज को पॉजिटिव टर्म में बता रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर वॉज हैप्पी बिकॉज देर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. कुछ तो होप मिली, थोड़ी सी होप बहुत बड़ी हो जाती है जब आपके पास में कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई आपका अपना जो है इन चीजों से जूझ रहा हो, तो थोड़ी सी भी होप जब मिल जाती है ना, तो हम वहाँ पे बोल देते हैं अ लिटिल होप, जहाँ पे सम पॉजिटिव थिंग इज देयर. राइट, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग दैट मीन्स लेस एन अमाउंट. मंजू नीड्स अ लिटिल मोर टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट.
आई नीड अ लिटिल मिल्क टू मेक कॉफी, ठीक है. देन द लिटिल, इट मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज देयर, जितना है पूरा का पूरा, जो है वो बहुत नहीं है, है वो थोड़ा ही, लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा, ठीक है. देखिए एग्जाम्पल, द लिटिल ग्रेन दैट ही हैड वॉज स्पॉइल्ड इन द रेन. ही हैड वेरी लिटिल ग्रेन, मतलब वहां पर उनके पास बहुत थोड़ा सा ही अनाज बचा था, लेकिन जितना भी थोड़ा अनाज बचा था वो भी बारिश में धुल गया या स्पॉइल हो गया या खराब हो गया, ठीक है. ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड टू बाय अ न्यू फोन, ठीक है. उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े थे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत उसके पास था वो पूरा का पूरा यूज हो गया नया फोन खरीदने में, ठीक. देन आई हैड यूज द लिटिल मिल्क इन द कप टू मेक कॉफी, ठीक है. कप में बहुत थोड़ा दूध रखा था, लेकिन जितना भी रखा था, अब देखो मुझे चाहिए एक कप, मुझे कॉफी पीनी है, मुझे कॉफी बनाने के लिए एक कप दूध की जरूरत है, लेकिन मैंने देखा कि कप में एक कप नहीं, एक कप दूध नहीं है, हो सकता है आधा कप रखा हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन एडजस्ट करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, एक दिन आधी कप कॉफी में काम चला लेंगे. तो फिर हमने क्या किया, जितना भी कॉफी रखा था वो है था तो थोड़ा ही, हमारी जरूरत से कम था, तो जितना भी था उतना पूरा हमने यूज कर लिया, इस मीनिंग के लिए यूज हो रहा है, आई बात समझ. देन द लिटिल टाइम वी स्पेंट ऑन रीडिंग द टेक्स्ट वाज नॉट एनफ टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. जो भी थोड़ा बहुत समय हमने बिताया टेक्स्ट को रीड करने के लिए वो काफी नहीं था, काफी नहीं था इसलिए तो थोड़ा था, है ना. ओके नेक्स्ट, सेम यूज ऑफ फ्यू, ऑफ यू एंड द फ्यू, ठीक है. यहाँ पर भी कंसेप्ट सेम है जैसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का था, बस डिफरेंस ये है कि लिटिल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो जो फ्यू है उसका यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का यूज किया जाता है थोड़ा या कुछ बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए, ठीक है. जैसे ठीक है यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एक ही टेबल में मैंने बता दिया है. फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग. ऑफ यू का मतलब होता है नहीं तो नहीं है, नहीं से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है सम. और द फ्यू का मतलब जितना है पूरा का पूरा. एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मोकिंग इज जस्ट वन ऑफ हिज फ्यू बैड हैबिट्स, उसके पास उसके कुछ बुरी आदतें हैं उनमें से स्मोकिंग एक है. आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इतने भी नहीं कि नेग्लेक्ट किए जा सके, थोड़े हैं, ठीक है. शी वॉन्ट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज लेफ्ट इन हर सॉलिट्यूड, ठीक है. वो जो भी थोड़े बहुत दिन बचे हैं उन्हें वो अकेले में बिताना चाहती है, इसके मतलब के साथ यूज हो रहा है. फ्यू पीपल हैव सीन दिस ट्रेलर, दैट मीन्स दिस ट्रेलर इज सीन बाय बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोग. देन आई हैव अ फ्यू प्लेसेस इन माइंड, That means I have some places in mind, some but not negligible. The few words that he spoke are deeply ingrained in my head. The few words he spoke, that she spoke very few words, but all the few words that she spoke. इस तरीके से उसने बोला बहुत कम, लेकिन जितना भी कहा उतना पूरा, ठीक है. तो इस मीनिंग के साथ में हम लोग few, a few और the few का यूज करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ये वो सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम लोग यूज करते तो हैं, लेकिन हर बार कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किसको किस जगह पे यूज करना है. तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन काफी हद तक दूर हो गया होगा, ठीक है. अब बात करेंगे एक्सरसाइज की, जितना पढ़ना था पढ़े, अब यूज करते हैं, जो भी हमने ज्ञान लिया उसको अप्लाई करना भी जरूरी है, ठीक है. तो चलिए देखते चलिए मेरे साथ साथ में कैसे होता है ये, या मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को बीच बीच में पॉज ले लें, खुद से सॉल्व करें और उसके बाद मेरे आंसर्स के साथ मैच करें, तो ये आपके लिए खुद के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह भी हो जाएगा, ठीक है. चलिए देखते हैं. द डैश वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है. अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑप्शन है ऑल, होल या एवरी. तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो टेररिज्म के फैक्ट के बारे में जानता है. तो कैसा वर्ल्ड जानता है, तो ऑल हम तब यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी एक वर्ल्ड, तो पूरा का पूरा विश्व है ना,
उसके सारे भागों की बात कर रहे हैं, उसके सभी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे द होल वर्ल्ड. हम यहाँ पे यूज करेंगे द होल वर्ल्ड. ठीक है. नेक्स्ट, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द वेल, मच, मेनी या नो. तो देयर इज, देखो नो यूज होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव एडवर्ब नॉट यूज हो चुका है. अब यहाँ पे हमें मच या मेनी यूज करना है. तो देख लो, ये नाउन है वाटर. वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल है. तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे अनकाउंटेबल के लिए? मच. काउंटेबल होता तो हम मेनी यूज करते. मिस्टर यादव हैज डैश चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड, मच या लिटिल या मेनी. ठीक है. तो यहाँ पे देखो चांसेस हैं अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल के लिए लिटिल. सो हैज लिटिल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. द डैश प्राइज वॉज वन बाय अ हिंदू. ठीक है. प्राइज के बारे में बोल रहा है तो ग्रेट प्राइज, फर्स्ट प्राइज या वन प्राइज? आंसर इज द फर्स्ट प्राइज, पहला पुरस्कार. ठीक है. सडनली देयर अरोज अ डैश स्टॉर्म. स्टॉर्म कैसा होगा? वायलेंट होगा. द लेक्चर वॉज डैश आई फेल अस्लीप. ठीक है. द लेक्चर वॉज बोरिंग. आई होप दिस यू माइट नॉट से. ठीक है. बोरिंग लग रहा है क्या? लग रहा होगा तो बताना. ठीक है. द लेक्चर वॉज बोरिंग, आई फेल अस्लीप. आप लोग भी सो मत जाइएगा, आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं. द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वॉज डैश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट अंडरस्टैंड इट. द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वॉज, ये आप लोग बहुत अच्छे से बोलोगे, कन्फ्यूजिंग. एंड आई होप दिस इज नॉट, आई होप यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज. मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ रहे होंगे. जो ना समझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. ठीक है. विल ट्राई टू रीच आउट टू यू. आई डोंट वॉन्ट टू बाय डैश बुक. नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनी. ठीक है. डैश ईयर्स आई स्पेंट विथ हिम वर मेमोरेबल, द फ्यू. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? द फ्यू. द फ्यू ईयर्स आई स्पेंट विथ हिम वर मेमोरेबल. ही नो डैश यंग वुमेन हु वॉज ब्यूटिफुल एंड प्राउड. ठीक है. He know a certain young woman who was beautiful and proud. ठीक है. Okay. So moving on to next. ठीक है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फर्दर perusal. चलिए नेक्स्ट. Second exercise. Fill in the correct form of the words given in bracket, comparative या superlative. ठीक है. अब ये degrees of comparison पे है. ठीक है. मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था? मैंने ये बता दिया था कि जब भी कभी आपको than लिखा दिख रहा है और दो चीजों के बीच में comparison हो रही है तो हमें comparative degree लगानी है. जब हम किसी एक की comparison सबके साथ कर रहे हैं, ठीक है, और जहां कहीं सेंटेंस में द लिखा हुआ दिख रहा है तो हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का. ठीक है. अदरवाइज हम किसी सिंगल एंटिटी की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे पॉजिटिव का. ठीक है. कंसेप्ट वाइज हो गया. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. हाँ, क्या बोल रहा है? माय हाउस इज बिग देन योर्स. अब देखो यहां पे देन लगा, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बिगर. This flower is dash than that one, than more beautiful. This is the dash book I have ever read. अब यहाँ पे देखो the लगा दिखा, तो the लगा दिखा मतलब superlative degree. तो superlative interesting का superlative हो जाता है interesting, more interesting and most interesting. Non-smokers usually live dash than smokers. ठीक है. Than comparative degree. Long, longer, longest, तो longer. Which is the dash animal in the world? ठीक है. The का मतलब superlative degree. Dangerous, most dangerous. Yes. ठीक है.
Then a holiday by the sea is dash than a holiday in the mountains. Then comparative degree, comparative degree. So good, good, better, best. ठीक. It is strange, but often a Coke is dash than a beer. Than comparative degree. Comparative degree expensive का हो जाएगा more expensive. ठीक है. Then who is the dash woman on earth? The superlative degree rich, rich, richer, richest. The weather this summer is even dash than last summer. Again, than shows comparative degree. Comparative degree mein bad, worse, and worst. ठीक. He was the dash thief of all. The superlative degree clever, cleverer, cleverest. ठीक है. तो किस तरीके से हम sentences में कुछ tricks देख करके अपना degree of comparison पहचान पा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग. ठीक है, इसका भी screenshot ले लीजिए एक बार. नेक्स्ट. ठीक है. अच्छा, इसके लिए आप क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए. स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर खुद बनाइए, उसके बाद में आकर के मैच करिए. ठीक है, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. आपने कितना पढ़ा, इतना समझा, आप खुद एनालाइज करिए. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने. अब आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिए सारे क्वेश्चंस, उसके बाद में आइए साथ में देखते हैं इसके सॉल्यूशंस कि इसको हम कैसे, इसकी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एरर करेक्शन. ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट यूनिक लीडर ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द मोस्ट यूनिक यानी कि सुपरलेटिव बना रहा है. यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन यूनिक वर्ड अपने आप में कहता है जो सबसे अलग हो. तो जो ऑलरेडी एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो उसे हम और किसी सुपरलेटिव के टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द यूनिक लीडर ऑफ इंडिया. ठीक है, वहां पे हमें मोर या मोस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिक अपने आप में ही एक सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है. ठीक है, सेम, दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज मोर प्रेफरेबल टू द अदर. प्रेफर का मतलब ही होता है जब हम किसी एक को किसी दूसरे से ज्यादा प्राथमिकता दें या महत्व दें. तो अपने आप में एक कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड है, इसीलिए हमें यहाँ पे मोर की जरूरत नहीं है. ठीक है, इज प्रेफरेबल टू द अदर. द हिंदू हैज द लार्जेस्ट सर्कुलर ऑफ एनी अदर डेली पेपर. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द हिंदू की, जिसका हम बता रहे हैं कि जितने भी दैनिक न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा सर्कुलेशन है. तो द, हम लोगों ने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है, तो हमको हमें कंपेरिजन करनी है एक की सबके साथ में. तो हम क्या बोलेंगे, द हिंदू हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल डेली पेपर. ठीक है, सबके साथ में कंपेयर करेंगे. श्रेया इज इंटेलिजेंट दैन ब्यूटिफुल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है, यहाँ का कंसेप्ट समझिए. अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग एंटिटीज के एक क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि ये वाला ज्यादा लंबा है, दूसरा वाला कम लंबा है, या हाँ कम लंबा है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब बात कर रहे हैं किसी दो के एक क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ER, EST का यूज कर रहे होते हैं. लेकिन एक ही एंटिटी के दो अलग अलग क्वालिटीज की हम जब बात करेंगे, तो उस कंडीशन में जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं उसके साथ में ER, EST लगा करके मोर मोस्ट लगाते हैं. नहीं आया होगा समझ में, मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है. ठीक है, ये बॉक्स है, मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स की लंबाई है L, इस बॉक्स की चौड़ाई है B, लेंथ एंड ब्रेथ.
ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं इसी बॉक्स की जो इसी बॉक्स का जो लेंथ है वो ब्रेड से बड़ा है, ठीक है, बिगर है, लेंथ बड़ा है, ब्रेड छोटा है, बस एक ही की कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ही के, तो हम क्या बोलेंगे, द लेंथ इज, ठीक है, लेंथ इज मोर बिगर देन द ब्रेड, ठीक है, एक ही दो कंपैरिजन। अब यहाँ पे देखिए श्रेया जो है, श्रेया इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटिफुल भी है, ठीक है, श्रेया इंटेलिजेंट भी है लेकिन ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल भी है, बट हम ये बोल रहे हैं कि जितनी वो सुंदर नहीं है ना उससे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, तो एक के दो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो श्रेया इज, अब यहाँ पे हम कह देंगे मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री यूज हो रहा है, हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ चाइना की, दूसरा हम कर दे रहे हैं इंडिया की, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम चाइना की पॉपुलेशन को इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, हम चाइना की पॉपुलेशन को इंडिया के पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात, एंटिटीज की बात हो रही है, चाइना का पॉपुलेशन और इंडिया, है ना, तो दो अलग अलग एंटिटीज हो गई, फिर हम चाइना की पॉपुलेशन को इंडिया के पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन, या तो हम यहाँ पे यूज कर ले देन दैट ऑफ इंडिया, या फिर हम यूज कर ले देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक, ओके, नेक्स्ट, पीपल स्टिल थिंक दैट वुमेन आर इंफीरियर देन मेन, हमने अभी बताया सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, इनके साथ देन की जगह टू का प्रयोग होता है, देन इन समर डेज, इन समर डेज आर वार्म देन नाइट्स, देन लिखा हुआ है दैट शोज कंपैरेटिव डिग्री यूज होना है, वार्म एक पॉजिटिव डिग्री है तो हमें यूज करना चाहिए वार्मर, ठीक है, इन समर डेज आर वार्मर देन नाइट्स, ठीक, नेक्स्ट, In our area, the journey by bus is quick and safe than by train. Again, than का use हुआ है, which shows comparative degree. तो यहाँ पे quick और safe जो positive degree है, उसको आपको बनाना है, is quicker and safe का safer than by train, right? If you inform me of your arrival time, I shall come to meet you at the airport. ठीक है, if you inform me of yours arrival time. अब यहाँ पर error है, ये देखिए, ये apostrophe का, ठीक है, अब हमने तो आपके arrival time की बात कर रहे हैं, तो here we have to use possessive adjective. तो हम यहाँ पे yours ना बोल करके क्या बोलेंगे, your arrival time. ठीक है, We were happy that the audience responded well and gave all the speakers a patiently listening. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, adjectives की, all the speakers patiently जो है वो एक adverb है, तो यहाँ पे patiently listening नहीं होकर के क्या होना चाहिए, a patient listening, धैर्य पूर्वक सुने, ठीक है, तो धैर्य पूर्वक सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे patient listening की बात किए, ठीक, क्लियर है सभी को, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, एडजेक्टिव का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, एडजेक्टिव्स में आपको यही ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको कौन से एडजेक्टिव को किस जगह पे यूज करना है, नंबर वन, नंबर टू आप ये देखिए कि आप किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ एडजेक्टिव की जरूरत है या एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है, एडवर्ब के बारे में आगे डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले सीरीज में, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच विशेषण होता है जो कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है, ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, सो फॉर मोर पार्ट ऑफ स्पीच स्टे ट्यून, विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक अगेन फॉर सम अदर पार्ट ऑफ स्पीच, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू.